गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो ये 2020 था, इसमें कोरोना टाइम हो गया था, तो उसके चलते काफ़ी सारी कंपनियां थी जो लगभग 3-4 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाई। तो उसी के चलते चलते यहां पे बहुत सारी कंपनियां हैं। नया साल जैसा कि आने वाला है और एक दिन में आ जाएगा, तो काफ़ी सारी कंपनियां बिल्कुल तैयार बैठी हैं बहुत सारे मॉडल को लेकर। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी जो रियलमी, जो कि काफ़ी सारे मॉडल्स लेके आ रही, चाहे बात करें यहाँ पर X7 सीरीज़ की, या रियलमी की तरफ से 8 सीरीज़, या नार्जो 30 सीरीज़ की बात करें, और भी बहुत सारी सीरीज़ यहाँ पर आने वाली हैं, काफ़ी सारे मॉडल आने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया की BIS सर्विस जो वेबसाइट है उस पर एक सर्टिफाइड हुआ है मोबाइल, जो कि रियलमी Q2 हो सकता है। और भी इंडिया में ये किस नाम से आएगा और इसका क्या प्राइस रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, और इसका जो क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे कुछ मिली है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को आपके बारे में बताएंगे। सो गाइस, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो रियलमी की तरफ से Q2 मॉडल आ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रियलमी Q2 है। इसके नाम से में भी जो इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे BIS वेबसाइट, उसमें सर्टिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो जो डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी वो 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले फुल HD के साथ हमें देखने को मिलेगी। और इसमें यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये हमें 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी, और ये रियलमी की तरफ से एक पहला मॉडल होगा जो कि 20,000 से नीचे के मॉडल्स में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात अपने आप में हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं बाकी क्या रहता है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, और उसके साथ साथ जो इसके रैम वेरिएंट रहेंगे उनको लेकर, तो यहाँ पे ये हमें डायमेंसिटी जो प्रोसेसर है 800U उसके साथ देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 120Hz की डिस्प्ले होगी और उसके साथ डायमेंसिटी का जो प्रोसेसर 800U है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात बता दें कि ये जो चिपसेट है वो हमें 5G देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अब अपकमिंग जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे, आपको पता है कि अब ऑलमोस्ट सारे फ़ोन ही 5G फैसिलिटी के साथ ही आते हैं, तो हमें सिंपल सी बात है कि ये भी 5G के साथ ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पे हमें 4GB रैम और 6GB रैम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर स्टोरेज की बात करें तो 120GB का स्टोरेज हमें देखने को मिलेगा इसमें। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो पीछे की ओर हमें 3 कैमरे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा होगा वो हमारा 48MP का प्राइमरी कैमरा रहेगा, और इसी के साथ साथ 8MP का अल्ट्रा कैमरा रहेगा, और 2MP का जो मैक्रो सेंसर है वो हमारा देखने को मिलेगा। सामने की ओर बात करें तो यहाँ पे हमें 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी जो फुटेज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पे हमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन के लिए। और यहाँ पे 30W की हमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। और गाइस, यहाँ पे आपको पता है कि पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो फ्रंट कैमरा है उसका पंच होल हमें देखने को मिलेगा, और सामने की तरफ हमें सिंगल ही कैमरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे BIS वेबसाइट पे सर्टिफाइड हो चुका है, तो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी मॉडल जब BIS सर्विस उस पर वेबसाइट पर सर्टिफाइड हो जाता है, तो मॉडल लगभग 1-2 महीने में ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये मॉडल भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा मार्केट में। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी सीरीज में आता है, क्योंकि अगर ये रियलमी की 8 सीरीज में आता है, तो उसके लिए यहाँ पे इसके कैमरे में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें 7 का कैमरा काफ़ी अच्छा था, तो उसका सक्सेसर अगर आएगा तो इसके जो कैमरे हैं वो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज नार्जो 30 सीरीज में भी ये हो सकता है, क्योंकि नार्जो 30 सीरीज में बैटरी लगभग इतनी थी, और हर एक चीज़ को देखते हुए नार्जो 30 सीरीज में ये आ सकता है। बाकी देखते हैं कि कौन सी सीरीज में आता है, उसके बारे में अभी कन्फर्मेशन कोई भी नहीं मिली है। बाकी अगर बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस लगभग इसका रहेगा 15,000 या उससे 16,000, बस यहीं पे इसका जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। और जहाँ पर कन्फर्मेशन है वहाँ तक ये है कि हमें 15,000 में ये मॉडल देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और किस सीरीज में ये आ सकता है, नीचे कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में।